हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेसिपीज बाय फरीदा। आज हम बनाने वाले हैं कोरियन डिज़र्ट बिंगसू। अभी इंटरनेट पे काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है आइस गोला विदाउट आइस। जी हाँ, तो हम वही आइस गोला बनाने वाले हैं जो विदाउट आइस बनने वाला है, जिसे हम कोरियन डिज़र्ट बिंगसू भी बोल सकते हैं। वो बेसिकली मिल्क बेस्ड होता है, इसलिए यहाँ पर हमने दूध लिया है। दूध को सिंपली गर्म करके ठंडा कर लिया है। स्वादानुसार शुगर पाउडर ऐड करके मिक्स कर लेंगे और इसे 7 से 8 घंटे या फिर ओवरनाइट के लिए हमें फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देना है। यहाँ पे मैं एक रोज़ फ्लेवर भी बना रही हूँ, तो दूध में रोज़ सिरप ऐड करके मिक्स कर लेंगे और इसे भी हमें फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देना है। इस तरह से आप जितनी चाहे उतनी फ्लेवर्स आप अपने हिसाब से बना सकते हो। मैंने यहाँ पे एक और फ्लेवर ऐड की है पिस्ता की, तो यहाँ पे हमारे पास रोज़, पिस्ता और प्लेन 3 फ्लेवर के मिल्क बेस्ड आइस हैं। बिंगसू बेसिकली एक मशीन में बनाया जाता है। यहाँ पे हम बिंगसू जो गोला का मशीन आता है उसमें बनाएंगे, जो गोला मेकर आता है उसमें हम बिंगसू बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो वाइट वाला हमने प्लेन आइस सेट किया था उसमें से बिंगसू बना लेंगे। वैसे तो बिंगसू प्लेन वाइट ही बनता है और उसमें अलग अलग टॉपिंग्स और अलग अलग सॉस वगैरह ऐड करके फ्लेवर की जाती है। यहाँ पे मैंगो का सीज़न चल रहा है, तो हम मैंगो के पीसी सेट कर लेंगे और चॉकलेट सॉस ऐड कर लेंगे। चॉकलेट सॉस घर पे आप कैसे बना सकते हो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है। यहाँ पे हम दूसरी फ्लेवर बिस्कॉफ स्प्रेड ऐड कर रहे हैं, उसका भी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर लिया है। आप तो अगर आपको भी चॉकलेट सॉस या फिर बिस्कॉफ सॉस घर पे बनाना हो तो आप ये वीडियो को एक बार ज़रूर से चेक कर लेना। इसी तरह से हम रोज़ फ्लेवर का बिंगसू भी बना लेंगे। तो इस समर में आप भी ये हेल्दी डिज़र्ट घर पे ज़रूर से ट्राई करना। तो इस तरह से आप बाज़ार में मिलने वाला बहुत ही ज़्यादा महंगा कोरियन डिज़र्ट बिंगसू घर पे ही बहुत आराम से बना सकते हो, और वो भी अपनी मनचाही फ्लेवर में। थोड़ा सा ऊपर से रोज़ सिरप ऐड कर लेंगे। आप इसमें कोई भी फ्रूट्स, नट्स, कंडेंस्ड मिल्क या फिर क्रीम, किसी की भी टॉपिंग्स आप इसके ऊपर कर सकते हो। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर से करना। और आप अगर मेरी चैनल पे नए हो और आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह से हमने ये पिस्ता फ्लेवर का बिंगसू भी बना लिया है। तो इस समर में आप ये कोरियन डिज़र्ट बिंगसू घर पे ज़रूर से ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।